ठेकेदार को बोल के अगर हम हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी की इस इम्पोर्टेंट क्लास में बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब यूं कहिए कि केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जो समस्या बच्चों के साथ आती है वो दो स्टेप में आती है। पहला वो कहते हैं अक्सर कि सर हमें कन्वर्जन नहीं आता, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सर हमें अगर दो केमिकल सब्सटेंस दिए होते हैं तो उन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, उसमें काफी समस्या होती है। आज की अपनी इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन दोनों तरीके की समस्याओं से बाहर करूं, क्योंकि जब हम केमिकल डिस्टिंग्विश करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और जब कुछ प्रोडक्ट बनेगा तो वो कन्वर्जन अपने आप कहला जाएगा। आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कैसे आप किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और इस क्लास में आप लोगों को ध्यान ये देखना है प्यारे बच्चों कि आपको मेरे साथ जुड़ के पढ़ना है, आपको बताना है, आपको सोचना है। ऐसा कोई नहीं बिल्कुल कि मैं बस बोलता जाऊं, ये समझ लेना एक तरफा का पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग जुड़ के पढ़ेंगे। आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएगा पूछेंगे चलती हुई क्लास में, ठीक है ना? और मेरा भी मन करेगा तो मैं आपसे पूछूंगा। तैयार है आप लोग? बोलिए हाँ है ना। Yes, sir. है मन उदास मन से मन से तैयार है आप लोग? Yes, sir. वेरी गुड। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केमिकल टेस्ट है, सबसे पहले मेरा फोकस उसके ऊपर है। वो सम्मानित कौन है? उनका नाम था टॉलेंस। सबसे फेमस साइंटिस्ट थे टॉलेंस। टॉलेंस ने अपने नाम पे एक रिएजेंट दिया। टॉलेंस रिएजेंट अगर आप याद करते हैं तो आपको बड़ा फायदा रहेगा। टॉलेंस रिएजेंट होता है 2 times of Ag NH3 whole twice (+1) और ये बेसिक मीडियम में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? बेसिक मीडियम। अब बच्चों के मन में ये भी आता है, सर ये टॉलेंस रिएजेंट बना कैसे? देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिया गया। क्या लिया गया? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसमें हल्का सा बेस वगैरह मिलाते हैं तो ये टॉलेंस रिएजेंट तैयार हो जाता है। जब आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बेटा तो आप उसमें बिल्कुल आप इसके साथ याद करिए कि 2 times of Ag, बोलिए 2 times of Ag का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। Ag का क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। बोलो हाँ ना। यस सर। आप देखो 2 times of Ag NH3 whole twice (+1) और ये 3 times of क्या है? OH- अब देखिए टॉलेंस रिएजेंट कब यूज किया जाता है? जब आपके पास एक कीटोन हो और एक एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड में बच्चा पूछेगा क्या एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों? तो मैं कहूंगा बिल्कुल दोनों। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरीके के जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जो कीटोन होता है बच्चों वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ ना। Yes, सबसे ज्यादा क्लियर इसमें बेटा जब आप टॉलेंस टेस्ट करते हो तो उसमें आपको ना टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का, बोलो बेटा व्हाइट कलर का सिल्वर मिनट टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्वर। वहां पे व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपका केमिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब इसके ऊपर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं और आपको खुद से करना है। कैसे करना है? खुद से, ठीक है? चलो रफ करो इसको। चलिए मैं इसका आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आपके सामने दो कंपाउंड है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मिस्टर अजीत। एक तो आपके पास इथेनॉल है और दूसरा आपके पास प्रोपेनोन है। इनको केमिकल डिस्टिंग्विश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? टॉलन। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन। कीटोन। ये एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन। तो जो एल्डिहाइड होगा, अब देखो बच्चों को ये भी सिखाना पड़ता है कि बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा देखो 3 R2 + 4 times of NaOH क्या लेंगे बेटा? जल्दी बोलो फिर से। 4 times of NaOH। देखो बेटा केमिकल डिस्टिंग्विश की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है कि एक रिएजेंट एक सब्सटेंस रिस्पॉन्ड करेगा दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो अगर हम इसमें अगर इसको कंप्लीट करें तो देखिए क्या होता है। ये देखिए गलती लिखवा दी आप लोगों ने, मैंने हाइड्रोफोन लिख दिया। क्या लिख दिया? हाइड्रोफोन। बोल भी नहीं तो तुम लोग यार। देखो 2 times of
टू टाइम्स ऑफ एजी और एनएस थ्री क्या होल ट्वाइस ब्रैकेट में प्लस वन ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ ओएच माइनस। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट होता है ना, दैट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा फिर से बोला, एक बार बताऊं, जब अगर तुम एल्डिहाइड में खड़े हो ना और तुमको कार्बोक्सिलिक में जाना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपका जो टॉलरेंस रिएजेंट है दैट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहां से एच को रिमूव करेगा और वहां पे ओ माइनस को ला देगा। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा दैट इज द कार्बोक्सिलेट आयन प्लस टू टाइम्स ऑफ एजी बाहर हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का आपको दिखता हुआ दिखेगा, और ये टू एनएस थ्री और ये टू, कितने एनएस थ्री हो जाएंगे बेटा बोलो, फोर एनएस थ्री प्लस। देखो बेटा ये जो थ्री ओएच था ना और एक एच यहां से निकला तो टोटल कितने ओएच एच हो गए, कितने बेटा चार, तो यहाँ पे आप टू एच टू करके बाहर कर दो। क्या कर दो बेटा, टू एच टू करके बाहर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे कभी कोई पूछ दे, मान लो कभी आपसे कोई पूछ दे यार जो कीटोन होता है वो टॉलरेंस टेस्ट क्यों नहीं देता, कोई लड़का लड़की बता सकता है क्यों नहीं देता? देखो नहीं देता है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्यों नहीं देता है कौन बता सकता है क्लास में? तो सी डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन नहीं है। नहीं, इसका आंसर ये है जो आप हमेशा जिंदगी के लिए भर के लिए याद रखेंगे, सर टॉलरेंस रिएजेंट जो है ना सर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कॉम कैचन ओ थ्री, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई बोलो, दैट्स व्हाई ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहे नहीं सर। आज समझ लो इस बिल्कुल बढ़िया से एकदम समझ में आ गया ना? यस सर। कोई भी कहेगा कि सुनो ना कि कीटोन क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता, तो दिल से बताना कि भैया कीटोन ऑक्सीडाइज होता है लेकिन उसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फेलिंग टेस्ट हो गया या टॉलरेंस टेस्ट हो गया वो लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो करेगा कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉन्केशन और थ्री कॉन्केशन सुपर मिलाते वो सब लिया जाता है, ठीक है ना? चलिए इस बात को जरा आप कॉपी में अपने शब्दों में बांध लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक एक करके। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा आप अपना दिल और दिमाग यही रख के पढ़िए, ठीक है ना? बोल दो हाँ हाँ ठीक है। चलिए कर लिया नोट, बढ़ा जाए आगे? ये सारा आप लोगों को मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, कुछ छूट जाए तो घबराना नहीं, ठीक है ना? चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग भी एक साइन, फेलिंग जो टेस्ट आया है उसमें भी एक साइंटिस्ट का ही रोल है, ठीक है ना? उसमें उन्होंने क्या किया कि फेलिंग रिएजेंट जब उन्होंने तैयार करा तो वो भी क्या है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो फेलिंग रिएजेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास Cu प्लस टू ये डीप ब्लू कलर में होता है, किसमें होता है बेटा बोलो, डीप ब्लू कलर, ठीक है? और जब हम इसे किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके, बोलो अपना कलर चेंज करके, डीप ब्लू कलर से, बोलो डीप ब्लू कलर से ये रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है। कहां चला जाता है? रेडिश ब्राउन कलर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है तुम बताओ बेटा, समझ आ रहा? टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट में जो सबसे मेन डिफरेंस वो क्या है बताना चाहिए आपको? आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि सर जो टॉलरेंस टेस्ट है उसमें दोनों तरीके के एल्डिहाइड एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही उस टेस्ट को देते हैं, लेकिन सर फेलिंग जो टेस्ट होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करता, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड करता है। कौन करता है? एलिफैटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या नहीं देता? फेलिंग टेस्ट। क्या नहीं देता? चलो कौन नहीं देता बोलो यार, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या नहीं देता बच्चों? फेलिंग टेस्ट। और कौन देता है? एलिफैटिक। अब कीटोन तो बिल्कुल ही नहीं देता, बोलो कीटोन तो बिल्कुल ही नहीं देता। आया समझ? एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ बेटा, जो कॉपर यहाँ पे आपको प्लस टू में दिख रहा है ना बेटा, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो कॉपर प्लस टू बेसिक मीडियम में लिया जाता है, ये खुद को रिड्यूस करता है, खुद को क्या करता है? रिड्यूस। अरे मतलब प्लस टू से प्लस वन में चला जाता है, प्लस टू से कहाँ चला जाता है? प्लस वन में। और ये
जो हमारे पास एल्डिहाइड है ना एलिफैटिक, उसको ऑक्सीडाइज करता है। उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज। और देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बनता कैसे है फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम और सोडियम का टार्ट्रेट लेते हैं और उसको कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, मिक्स करते हैं। तो वहां से ये Cu प्लस टू डीप ब्लू कलर तैयार होता है और फिर इसमें बेसिक मीडियम लिया जाता है। और जहां पे भी आपको रिएक्शन जैसा लिखना पड़ेगा ना, तो आपको केवल इतना ही यूज करना पड़ेगा। कितना बेटा? इतना ही यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो देखिएगा आप लोग जरा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड भैया? बेंजाल्डिहाइड, ठीक। और एक आपका आ गया है एलिफैटिक CH3CH2। अब ये जिन बच्चों को 100% क्लियर होगा उन्हीं से ये पेन चल सकता है। समझ आया कि नहीं आया? कि आपका ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। आप कहोगे नहीं यार, हमारे सर ने समझाया था कि जो एरोमेटिक होते हैं वो भाई साहब लोग कौन सा कलर नहीं है, वो लोग कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, जल्दी बोलो। बच्चों यहाँ पे नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नो रिएक्शन। और जब आप एलिफैटिक एल्डिहाइड में मिक्स करोगे ना बेटा, तो जब आप एलिफैटिक में मिक्स करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 times of Cu+2 और 5 times of क्या लेना पड़ेगा? OH-। अब देखिए जरा, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यस, कौन सा आयन बनेगा? कार्बोक्सिलिक आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं भैया उसको, CH3CO-। देखो बेटा यहां से H रिमूव हो रहा है, तो H का निकलना ही ऑक्सीडेशन होता है। H का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये आ गया। अब देखो बेटा, ये एक हाइड्रोजन और ये 5 हाइड्रोजन, तो मिलके 6 हो गए ना, तो ये 3H2 बाहर। कितना बेटा? 3H2। और भैया जानते हो ये जो तुम्हारा डीप ब्लू कलर का है, किस कलर का है? डीप ब्लू कलर। ये Cu+2 एक्वस में होता है, तो ये बन जाता है Cu2O में। किसमें बेटा? Cu2O। इसको हम लोग रेडिश ब्राउन, हमारी किताबों में ना रेडिश ब्राउन कलर लिखा है एनसीईआरटी में, तो हम बात केवल किसकी करते हैं? एनसीईआरटी। समझ में आया ना? हम सबके लिए गीता रामायण सब क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे क्या लिखा? रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन कलर। देखो केमिकल टेस्ट में कलर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जब आता है कि ये कलर बन गया वो कलर बन गया, तो कलर आपके माइंड में होना चाहिए। बड़ा जाएगा, बोलिए हाँ ना। yes, sir. भाई समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, कीटोन फेलिंग टेस्ट क्यों नहीं देता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप फिर से वही जवाब देना है कि सर फेलिंग रिएजेंट इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजर, और सर उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सके। समझ में आया? हाँ बोलिए। व्हाई डजंट गिव विद एरोमेटिक से? एरोमेटिक के साथ क्यों नहीं देता है, ये आपको मैं केमिकल बता दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए बढ़ा जाएंगे। चलिए ये देखिए, आगे है आयडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है बेटा, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने आयडोफॉर्म टेस्ट को ढंग से समझ लिया, सारे लड़के लड़कियां ध्यान से सुनना, अगर हमने आयडोफॉर्म टेस्ट को अच्छे से समझ लिया तो हमारे केमिकल डिस्टिंग्विश के 50% क्वेश्चन यूं हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भैया? यूं। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत सही बात है, मतलब बढ़िया चीज है। देखो आयडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, आयडोफॉर्म टेस्ट की बजाय हम लोग कभी कभी हैलोफॉर्म टेस्ट भी लिख सकते हैं। हैलोफॉर्म में बेटा आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन तीनों आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा यूज जो होता है वो आयडोफॉर्म होता है। कौन सा होता है? आयडोफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आयडोफॉर्म टेस्ट किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, आयडोफॉर्म टेस्ट हर वो रिएजेंट दे सकता है। एक तो आपका मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखना, इथेनॉल भी देता है। कौन देता है? इथेनॉल। एल्कोहल में इथेनॉल जो होता है वो आयडोफॉर्म टेस्ट देता है। दूसरी बात, आयडोफॉर्म टेस्ट कीटोन भी देते हैं, आयडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं, आयडोफॉर्म टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, एरोमेटिक कीटोन देते हैं। कौन देते हैं? एरोमेटिक कीटोन। अब आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं देते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? देखिए बेटा, आयडोफॉर्म टेस्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब कभी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ के या तो राइट हैंड साइड में CH3 हो, और या तो बेटा कहां हो? लेफ्ट हैंड साइड। और या तो बेटा दोनों तरफ, बोलो या तो क्या हो? दोनों तरफ। अब बच्चा कहेगा अच्छा एक बात बताइए,
मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, मान लीजिए बेंजीन रिंग है फिर COCH3 है, तो मैं समझाऊंगा कि भैया देखो C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 मिल तो गया, तो खाली हमें क्या चाहिए COCH3, क्या चाहिए बेटा COCH3। और ये COCH3 वर्ड को बोला जाता है मिथाइल कीटोन, क्या बोला जाता है मिथाइल कीटोन। और अगर आपने आइडो फॉर्म टेस्ट लिखा है तो याद रखिएगा एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा प्रेसिपिटेट येलो कलर। और अगर येलो कलर का पीपीटी बन गया, फिर से बोलिए येलो कलर का पीपीटी बन गया, तो फिर क्या होगा वो आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। और देने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा और आपको वो रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं अपने बच्चों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग करोगे बोलो हाँ ना पक्का। चलो ठीक है, इसको आप लोग लिख लो कि आइडो फॉर्म टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, याद है देखिए क्या कौन सा रिएजेंट है, 3I2 बोलो 3I2 + 4NaOH। देखो जब भी तुम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ लिखोगे ना बेटा, तो आप ये लिखना 3I2 + 4NaOH। क्या लिखोगे फिर से बोलना, 3I2 + 4NaOH। ये है आपका येलो पीपीटी बनेगा, कैसा पीपीटी येलो। अब मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, वहां जाके आपका 100% क्लियर होगा। ठीक है बड़े आगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो आयरो फॉर्म टेस्ट नहीं देते। देखो हर केमिकल, देखो एल्कोहल में आपका इथेनॉल, अभी मैं इथेनॉल की रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जो कार्बोक्सिलिक होते हैं बेटा वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो केमिकल टेस्ट जो है ना, हर कंपाउंड का अपना अलग अलग टेस्ट है, जैसे किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, तो वैसे ही इसमें भी है कि कुछ स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि कौन सा देता है कौन सा नहीं देता। ठीक है, मैं इसका आपको क्वेश्चन देता हूं, आइडो फॉर्म टेस्ट आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप सभी की कॉपी में चेक करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि सबने लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है ना, देखिए आपके पास एक रिएजेंट है CH3, सी डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक, दूसरा आपके पास रिएजेंट है बेंजीन रिंग, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आपको मैंने बेंजर भी हाइड दे दिया और एक आपको मैंने प्रोपेन ओन दिया। आपको भी सर इसमें तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, सर मैं इसमें टॉलन भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, टॉलन के अलावा तुम आइडो फॉर्म पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, तो आइडो फॉर्म के लिए क्या कंडीशन जरूरी है बेटा, कोई बता दे मुझे। यस, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। यस, फिर सी डबल बॉन्डो के बगल में CH3 नहीं है, तो इसका मतलब ये आयरन फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लिख लो ना 3I2 + 4NaOH। ठीक है भैया, 3I2 + बोलो ना 4NaOH। अच्छा इधर देख लो, जल्दी से देखो इधर क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, अभी पता है आपको प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे लिखा जाएगा बताइए। सबसे पहले आप देखिए सर, थोड़ी देर के लिए आप इस CH3 को भूल जाइए, आप वहां पे सर ONa लाइए, कौन लाइए ONa, तो मतलब ये बनेगा सोडियम एसीटेट हो गया, क्या हो गया बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपका जो 3 आयोडीन है ना बेटा, वो इस CH के पास चला जाएगा और यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपका जो येलो कलर का पीपीटी बनेगा वो ये बनेगा CH3, क्या बनेगा CH। यहां के 2 हाइड्रोजन और यहां का 4 हाइड्रोजन मिलके कितने हो गए 6, तो वो यहां पे क्या बनाएंगे बेटा 3H2, क्या बनाएंगे 3H2। और बेटा ये 3 सोडियम और 3 आयोडीन मिलके क्या बना लेगा 3 times of sodium iodide। फिर से बोलो 3 times of क्या, जल्दी बोलो sodium iodide। फिर से बोलो 3 times of क्या, sodium iodide। फिर से बोलो sodium iodide। और ये CHI3 है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये येलो कलर का पीपीटी, ये कैसा बेटा येलो पीपीटी। और इसमें आप क्या लिखोगे बेटा, इसमें क्या लिखोगे नो रिएक्शन। कोई पूछे नो रिएक्शन क्यों, तो आप बताना कि इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। समझे, तो इस वजह से मिथाइल कीटोन नहीं। तो आयरो फॉर्म वही देंगे जिनके पास क्या होगा मिथाइल कीटोन। फिर से बोलिए एक बार और बोलिए मिथाइल कीटोन। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ स्पेसिफिक, ठीक है, हमारे पास 2 रिएजेंट है, रफ कर इसको लिख लियो, 2 रिएजेंट है बच्चों, देखो ध्यान से बिल्कुल, वंशिका ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं और जवाब भी तुम्हीं को देना बेटा।
एक तुम्हारे पास इस कंपाउंड का नाम क्या है वंशिका? इस कंपाउंड का नाम क्या है बोल दो। चलो जिसको आता है वो बोल दे भाई, क्या नाम है इसका? और ऊपर वाले कंपाउंड का क्या नाम है? यही से बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे पता है आता है आपको लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे, क्यों लगे? क्या नाम है इसका? समझ रहे नाम क्या? क्या नाम उत्कर्ष? तो ये बोलने में मतलब क्या लग रहा है तुम्हारा यार? कैमरा के सामने हम है कि तुम हो? मुझे बात कर रहे हो, हम है ना? ये एसिटोफिनोल और ये कौन सा है? बेंजोफिनोल। कौन सा? एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो भैया बहुत इजी काम है, देखो ना, सीओ के बगल में सीएस3 मिल गया, सीओ के बगल में सीएस3 नहीं देगा, और ये नहीं देगा, और ये अबे देख के दिखाओ, कॉपी में लिख के दिखाओ। चलो सबकी कॉपी चेक कर करूंगा अभी, ठीक है सर। 3I2 प्लस 4NaOH और यहाँ पे बेटा 3I2 प्लस कितना? 4NaOH। तो यहाँ पे तो आप बहुत इजीली लिख दोगे भैया नो रिएक्शन। क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन नहीं है। लेकिन इसके पास तो आपको लिखना पड़ेगा ना सिस्टम से पूरा, इसमें बनेगा सोडियम बेंजोएट, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O, फिर O निगेटिव Na प्लस प्लस 3NaI, याद कर लो, प्लस क्या? CH I3 अब प्लस 4H और 2 3H2O बाहर कर दो, 3H2O क्या कर दो? बाहर। और यहाँ पे कौन सा कलर आएगा बेटा? येलो। कौन सा कलर? येलो। चलो कौन सा कलर? पीला। येलो को ही पीला बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अच्छी बात है। बढ़ा जाए आगे, बोलिए। हाँ पक्का? अब इस पे बहुत हो गया डिस्कशन। अब बेटा कार्बिल अमीन टेस्ट, देखिए कार्बिल अमीन टेस्ट मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम में कार्बिल अमीन रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, और मेरे हिसाब से ये कन्वर्जन के रूप में भी आ सकता है। माय डियर सर, इससे अगर मुझे कन्वर्जन का क्वेश्चन बनाना हो, मुझे नहीं बोर्ड वाले भाई साहब लोगों को, तो कैसे बनेगा? आपको ये वर्ड बोलना चाहिए कि सर देखिए, कभी भी अगर आपको किसी अमाइन को आइसोसाइनाइड में बदलना हो, बोलिए मेरी बात रिपीट करिए, कभी भी किसी अमाइन को आइसोसाइनाइड में बदलना हो, तो सर ये सबसे आसान तरीका है कि उसको हम कार्बिल अमीन टेस्ट से गुजारेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, कार्बिल अमीन टेस्ट सभी तरीके का अमाइंस नहीं देते हैं, केवल एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देते हैं। कौन देते हैं? प्राइमरी अमाइन। तो जब कभी आपका दिल करेगा कि प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी से डिस्टिंग्विश करो, प्राइमरी को टर्शियरी से डिस्टिंग्विश करो, तो आप ये कार्बिल अमीन टेस्ट क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और कार्बिल अमीन टेस्ट में जब प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफैटिक अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ अल्कोहलिक मीडियम में पास किया जाता है, तो वहां पे आइसोसाइनाइड बनता है। और वो आपको पता कैसे चलेगा कि बन चुका है? तो याद रखना, वहां पे सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी। कैसी आएगी बेटा? रोटन है। तुम लोग इंग्लिश से बोल रहे हो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बस फर्क इतना है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ और तुम लोग किस मीडियम के हो? इंग्लिश, ठीक है। तो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी, कब आएगी? जब प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफैटिक अमाइन किससे गुजरेगा? जल्दी बोलो ना, किससे गुजरेगा? क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक। और रिएक्शन भी याद रखना, ताकि कन्वर्जन भी लगे हाथों हो जाए। बोलो कन्वर्जन भी लगे हाथों हो जाए। देखो देखो ये क्या? क्लोरोफॉर्म KOH। बोलो मुझे, क्लोरोफॉर्म KOH। देखो क्लोरोफॉर्म KOH, ये KOH एल्कोहलिक लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? एल्कोहलिक। समझ में? अब बनता क्या है दोस्तों? क्या बनता है भैया? बोलो बोलो, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन से कौन अटैच होता है? NC। कौन? NC। अभी लिख के दिखा, याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैं रिएक्शन खुद से लिखोगे? बोलो। यस सर। चलो मैं लिखता हूँ उसको, रफ करूँ? ठीक है।
रिएक्शन मैं अपने प्यारे बच्चों को खुद से देना चाहता हूं और वो खुद से लिख के दिखा। चलो लिखो। एक क्वेश्चन ये है बेटा, एनिलीन क्या है बेटा? एनिलीन। और दूसरा है दो कंपाउंड इस तरीके से लिखे हुए, बोलो हाँ है ना। अब इन दोनों को केमिकली डिस्टिंग्विश करना, मैंने थोड़ा जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ले लिया। आप कहना कि हमारे सर ने बोला था कि यार जो एनिलीन होता है ना वो कौन सा टेस्ट देता है, जल्दी बोलो। कार्बिल अमीन। कौन सा देता है बोलो? कौन सा? कार्बिल अमीन। तो कार्बिल अमीन टेस्ट देगा तो इसकी खास बात क्या होगी बेटा? ये नाइट्रो कार्बन जाके किससे अटैच होगा? नाइट्रोजन से। तो यहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा, ये आइसोसाइनाइड बना, बोलो हाँ ना। बट बेटा तीन के और सीएल थ्री के सीएल बना देंगे बेटा। यहां का दो हाइड्रोजन, यहां का एक और यहां का तीन, प्लस थ्री एच टू बाहर, अब कुछ नहीं बनने वाला, चेक कर लो। और यहां पे ये आप लिखोगे नो रिएक्शन। क्या लिखोगे बेटा? नो रिएक्शन। क्या? नो रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, कभी भी एनिलीन को किसी के साथ डिस्टिंग्विश करना हो, किसके साथ? किसी के साथ, तो आप ये आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना? आइसोसाइनाइड। लेकिन मान लो एक बात और सुनो, मान लो कि अगर ये रफ कर इसको थोड़ा, अगर मान लो अजीत ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आग बंद करके तुम कार्बन 11 टेस्ट मत कर देना। इसमें कार्बन 11 टेस्ट मत करना, क्योंकि ये भी 1 डिग्री एलिफैटिक है और ये क्या 1 डिग्री एरोमेटिक, तो इसमें कार्बन 11 टेस्ट यूज नहीं है, क्योंकि दोनों में आग है, दोनों में। ठीक है, रफ करो आगे। हिंजबर्ग टेस्ट जो होता है ये सबसे बेहतर है। हिंजबर्ग टेस्ट मैं मतलब समझता हूं कि अमाइन में सबसे बेहतर टेस्ट है, क्योंकि इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों आपस में बहुत ही अच्छे से केमिकली क्या हो जाते हैं? डिस्टिंग्विश। हिंजबर्ग रिएजेंट में हिंजबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो रिएजेंट यूज किया, उस रिएजेंट का नाम क्या है उत्कर्ष, आप बताइए। हिंजबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो रिएजेंट यूज किया उसका नाम क्या है? हिंजबर्ग रिएजेंट नाम है उसका। केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, जिस भी लड़के लड़की को आता है बिल्कुल इजीली आराम से बताएं, जल्दी बताइए। सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो और बगल में क्या होता है? सी। क्लियर? ठीक। अब ये जो हिंजबर्ग टेस्ट है उसके बारे में मैंने लिखा है, जरा आप पढ़ने का कष्ट करिए। जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से 1 डिग्री अमाइन को पास करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो यहां का क्लोरीन और 1 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन HCl निकल के बाहर चला जाता है और यहां पे कोई सब्सटेंस बनता है बेटा। अगर वो सब्सटेंस एल्कली के अंदर सॉल्युबल होता है, फिर से बोलिए मेरे साथ, एल्कली के अंदर सॉल्युबल होता है, तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी अमाइन है। कैसा है? प्राइमरी अमाइन। फिर से बोलना, कुछ बना, उस बने हुए सब्सटेंस को लिया और उसमें एल्कली मिलाया, अगर वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया तो हाथ उठा के क्या कहेंगे? सर ये कौन सा अमाइन है, जल्दी बोलो। प्राइमरी। और अगर सॉल्युबल नहीं हुआ एल्कली में, बोलो सॉल्युबल एल्कली में नहीं हुआ, इनसॉल्युबल हो गया तो क्या कहोगे? 2 डिग्री अमाइन। अब मान लो कि 3 डिग्री अमाइन गलती से दे दिया तुमने, तो उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बोलो कोई रिएक्शन है नहीं हुआ, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं होता, इनसे डायरेक्टली अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं होता और वहां पे HCl बनता भी नहीं। समझ आ गया? बोलो हाँ ना। yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों एक रिएक्शन करके दिखा दो, मुझे लग रहा तुम्हें याद हो चुका है, झूठ मत बोलना, याद हो गया है ना? yes, तो जरा ये रिएक्शन करके दिखा दो। एच डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सी एल, यहाँ पे तुम प्राइमरी अमाइन ले लो, इसका नाम मैं दोबारा बोल गया,
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, याद हो गया आप? भूलना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बस याद रखने की चाहत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा बोलो? चाहत। जैसे आप लोग जिंदगी में किसी किसी का नाम हर आदमी के दिल में होता है, एक इंसान का नाम कभी नहीं भूलता है, ये चाहत होती है। सही बात कह दी सर। अपने माँ बाप का नाम कभी नहीं भूलते ना हम लोग? यस सर। अपने गुरु का नाम कभी नहीं भूलते ना? नो सर। इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। चलो जल्दी करो, ये जल्दी से रिएक्शन रिएक्शन करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? रिएक्शन रिएक्शन करके कॉपी दिखाइए आप लोग, क्या बनेगा वो आप लोग बताएंगे, लेकिन जल्दी रिएक्शन के लिए। और कौन एल्कली के अंदर सॉल्युबल होगा, कौन नहीं होगा, ये भी आपको ही बताना है। बताओ। फर्स्ट वाला सर सॉल्युबल होगा एल्कली में। कैसे भाई? नहीं होगा। प्राइमरी है ना, उद्गारत्वाद अलग ही डिमोटिवेशन में पड़ रहा है, मतलब ऐसा बच्चा। अरे यार ये प्राइमरी है माइंड बेटा, प्राइमरी है माइंड है तो ये, हाँ उसको टेस्ट मत कर। तो जो बनेगा ना, जो बनेगा उसका नाम क्या होगा कोई बता सकता है क्या? हमारे कोई बालू बच्चे ऐसे नहीं तो इसका नाम बता सकते हैं। बेटा बताओ इसका नाम क्या है? देखो सुनो, एन पे सी एस टी लगाया ना, तो इसका नाम होगा एन मिथाइल। अब पूरे सिस्टम को बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनामाइड। सुना नहीं आप लोगों ने? इस एन पे सी एस टी लगा है तो इसको बोला गया एन मिथाइल। अब पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनामाइड। हाँ, और ये जो सब्सटेंस होगा बेटा वो एल्कली के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्युबल। क्या होगा? सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी अमाइन है। कैसा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। देखिए पता चला प्राइमरी अमाइन। और इसमें 2 डिग्री अमाइन्स में क्या होगा? 2 डिग्री अमाइन्स में बेटा ये एसीएल बाहर हो गया। तो लिखने का तरीका मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि बच्चे कभी लिखने की जरूरत पड़े तो फंसे ना। देखिए एन दो बार सी एस थ्री, इसका आईपीएससी नेम कौन बता सकता है? मेरी कोचिंग में बच्चा बताओ आईपीएससी, इसका आईपीएससी नेम, क्योंकि बेटा बोर्ड में लिखना पड़ेगा, मैं एक बात बताऊं, इसका लिखना पड़ेगा आपको। जल्दी बताइए क्या नाम है? कोई भी बता दे। एन कोमा एन डाइमिथाइल। बहुत बढ़िया, देखो ऐसे ही बच्चे एन कोमा एन डाइमिथाइल, क्योंकि दो बार है आपकी बेंजीन सल्फोनामाइड। वेरी गुड। और बेटा ये किसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा? एल्कली के अंदर क्या होगा ये जल्दी बोलो? इनसॉल्युबल। तो मैंने खाली मतलब बताया, देखो मैं कोटा नहीं पूरा कर रहा हूँ, बस मुझे केमिकल डिस्ट्रीब्यूश बताना है। yes, मैं उन वीडियो जैसा नहीं कि 5 मिनट में क्या आप केमिकल डिस्ट्रीब्यूश जानना चाहते हैं, नहीं भैया मैं केमिकल डिस्ट्रीब्यूश पे क्वेश्चन भी करके आपको दिखा रहा हूँ, समझा है ना? जिससे कि भविष्य में आप किसी भी अपने सगे संबंधी को बता सके, ठीक है? हो गया लिख लीजिए, ठीक है जी, पढ़ा जाए आगे, ठीक है। बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि आप लोगों को केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया जाए, मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मौका भी है और मन भी है, ठीक है? हाँ बढ़े आगे, चलिए बहुत ये बता दिया। अब आते हैं ल्यूकास टेस्ट पे। किस पे बेटा? ल्यूकास टेस्ट। देखो सबसे पहले हम यही टेस्ट पढ़ते हैं। ल्यूकास नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपना केमिकल टेस्ट दिया उससे बड़ा फायदा हुआ लोगों को। पूछिए क्या हुआ? हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते। देखो मैं केवल टेस्ट नहीं बता रहा हूं, मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा कि हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज क्या? तो ल्यूकास टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज कौन सा रिएजेंट होता है? जल्दी बोलो। ZnCl2 प्लस क्या? HCl। क्या 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 जल्दी बोलिए। एक बात और बता दूं बेटा, यहाँ पे जो HCl होता है ना ये कॉम्ब होता है। क्या होता है? अच्छा बच्चा कोई कहेगा कि सर यहाँ पे जो ZnCl2 ले रहे हैं इसकी जगह पे बेटा जानते हो हम Zn कई बार ZnCl2 की जगह पे एनहाइड्रस AlCl3 भी लिख सकता है।
क्या लिख सकता है फिर आपको पता है जेड एन सी एक तरीके का लुईस एसिड है कैसा और एल एनहाइड्रस एल सी एल थ्री पी क्या है लुईस एसिड तो ऐसा नहीं कि खाली जेड एन सी एल टू लिखाओ एनहाइड्रस एल सी एल थ्री भी लिख सकता आया समझ बोलो हाँ अब इसमें क्या होता है बेटा कि जब हम इसको टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे बहुत तेज बोलो फिर से बहुत फास्ट वेरी फास्ट प्रोडक्ट बनता है और जो कि क्या बनता है बेटा एल्काइल हैलाइड क्या बनता है एल्काइल अगर हमने गलती से 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया अगर हमने गलती से 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो प्रोडक्ट बनने में लगभग 5 मिनट वक्त लगेगा कितना लगेगा 5 मिनट से बोलो कितना मिनट 5 मिनट और प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने तो आप वहां पे लिख सकते हो लगभग नो रिएक्शन क्या बेटा नो रिएक्शन नहीं तो लगभग 30 से लेके 60 मिनट तक कुछ भी लग सकता है तो इसलिए उसको क्या रखा जाता है नो रिएक्शन की कैटेगरी में क्या रखा जाता है जल्दी बोलो नो रिएक्शन ठीक है तो ल्यूकास में आपको डर तो नहीं लगेगा नो सर बोलो हाँ नहीं लगेगा ना बिल्कुल नहीं तो ये मेरी पूरी बात जो मैंने बताया था समझदारा रिपीट करेगी मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ बताइए समझदारा तो आप तेज से बोलिए ऑडियंस भी है सामने हाँ अगर हम तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन होगी अगर 2 डिग्री के साथ करते हो तो 5 मिनट के अंदर होगी टाइम से ही चेक कर लेंगे बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड बस इतना सही पढ़ना बेटा बच्चे सोचते हैं ना कि हम कैसे पढ़ें पढ़ाई का टाइम आता है बच्चे YouTube पर सर्च करते हैं ना कि कैसे 95% स्कोर किया गया दो दिनों में उन बच्चों को बस एक बात ज्यादा सोचनी चाहिए कि कैसे अच्छा पढ़ा जाए जब आप अच्छा पढ़ेंगे और मैं एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताने जा रहा हूं अक्सर वो कहते हैं आपने सुना होगा जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है हमें लाइव या यूट्यूब पे दो मिनट में आपको लेना चाहूंगा माफ करिएगा लोग कहते हैं कि सर आपने याद करो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो आप 10th क्लास में जब थे तो जब आप बोर्ड एग्जाम पेपर देते हो तो आप पूरा पेपर भी आप अटेंड करते हो और बहुत अच्छा लगता है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब बोर्ड के एग्जाम देके आते हो अगर आपकी तैयारी जितनी भी होती है ना आप सही सही बताना आप उससे बेहतर लिख के आते हो नहीं भाई आपकी जो तैयारी थी आप जब निकलते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने जितना तैयारी किया था उससे अच्छा लिखा उससे अच्छा लिखा पूछो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए पहली बात ऐसा इसलिए कि जब हम पेपर देने जाते हैं बोर्ड का तो एक तो हमारी तैयारी पूरी होती है अपने हिसाब से दूसरी बता बोर्ड एग्जाम में टीचर्स लगे होते हैं और सारे बच्चे इतने साइलेंट मोड पे होते हैं कि वो पूरा एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप अपना पूरा दिमाग 100% लगाते हैं वहां पे आपको ये नहीं होता है कि मुझे कहीं उठ के जाना है ये भी नहीं होता कि मुझे कुछ खाना है ये भी नहीं होता कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर देगा आप बिल्कुल चिंता मुक्त होते हैं अब मैं अपनी कोचिंग में यही चाह रहा हूं कि जितने भी दिन 20 दिन 15 दिन हमारे टाइम बचा हुआ है हम सब कम से कम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें इतनी शांति से पढ़ाई करें क्योंकि आप हमेशा एक बात को सोच के रखो ना जब ऋषि मुनि तपस्या करने दूर क्यों जाते थे क्योंकि जब हमको अपना 100% देना है तो हमें बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करना और उसी यही वजह है कि टीचर क्लास में एग्जाम के टाइम में बोलते हैं कि नहीं नहीं आप देखिए ना कभी कभी आपके एग्जाम में कभी कभी चीटिंग भी होने लगते हैं कभी बच्चा कुछ पूछने लगता है तो जैसे वो सब डिस्टर्बेंस हो जाता है कई बार आती हुई चीज आदमी भूलने लगता है बहुत डिस्टर्ब मतलब अच्छा फील नहीं करता तो आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि आप जितने दिन भी पढ़ेंगे यार पढ़ेंगे तो मन से कैसे पढ़ेंगे कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई भी समझ में आया ना अपने आप को भी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो आप अपने आप को करते समझ में आया ना yes, तो वो काम नहीं करेंगे आप लोग पक्का बोले प्रॉमिस है yes, okay. अब देखिए अब यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट हो गया इसके बाद सबसे जबरदस्त जो बच्चों को डराने वाला टेस्ट आता है दैट इज द डीएनए केवल इसलिए डराता है क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है लेकिन मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़े हैं उन सबको इसका नाम भी पता है इसमें क्या कलर आएगा वो भी पता है चलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ देखिए DNP टेस्ट जो होता है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पॉन्ड
टूवर्ड दिस टेस्ट। इस टेस्ट को एल्डिहाइड भी देता है, कौन देता है बेटा, कीटोनियन। क्लियर हो गया, बस अलग अलग कलर आता है। जब एल्डिहाइड डीएनपी टेस्ट देता है तो कौन सा कलर आता है तुम बताओ इसका, कौन सा, येलो पीपीटी, बहुत बढ़िया। और जब वही डीएनपी टेस्ट अगर कीटोन देगा तो कैसा आएगा बेटा, ऑरेंज। क्लियर हो गया। लेकिन बस इतने शब्दों कहने से मात्र डीएनपी टेस्ट खत्म नहीं हो जाता है, उसे करके दिखाना पड़ेगा, उसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको। मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दे रहा हूं और आप इसका डीएनपी टेस्ट करिए सभी लोग अपने अपनी कॉपी में। मैंने आपको एक कीटोन दे दिया और मैंने आपको एक क्या दिया, सॉरी, एक एल्डिहाइड दे दिया और एक कीटोन दे दिया। ये दोनों ही सब्सटेंस क्या देंगे बेटा, डीएनपी टेस्ट। लेकिन डीएनपी टेस्ट देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एल्डिहाइड था और कौन सा कीटोन, तो कैसे पता चलेगा ऋषभ? कलर से पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर येलो कलर आ गया तो कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, जल्दी बोलो। और अगर ऑरेंज आएगा डीएनपी टेस्ट। छोटी सी बात देखिए बच्चों, इसकी इस वाले नंबर को 1 2 3 4 तो दूसरे पे और चौथे पे एनओ टू ग्रुप लगाया। क्या 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 लगाया बेटा, एनओ टू ग्रुप। कहां कहां पे लगाया, दूसरे पे और चौथे पे। ठीक है, तो इसलिए 2.4 बोला गया। क्या बोला गया, 2.4 डीएनपी। क्या बोला गया, डीएनपी। डी का मतलब होता है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रल। क्या होता है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रल। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बना के दिखाइए प्लीज, सब लोग सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग कॉपी में कर चुके हैं। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी दीजिए मुझे, दिखाइए, जिसका भी हो गया कॉपी दिखाओ। टीचर को कॉपी दिखाना बहुत जरूरी काम है बेटा, तुरंत आपकी गलतियां देख के मैं बता दूंगा कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ करना नहीं है, देखो अदिति तुम डर रही हो, सोच रही हो क्या करें क्या ना करें। देखो बेटा ये आप H2O बाहर निकाल दो और इसके H को थोड़ा सा नीचे कर लो, कार्बन और N में डबल बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, डबल बॉन्ड। यही तरीका है डीएनपी टेस्ट का प्रोडक्ट लिखने का तरीका, देख लीजिए सभी लोग। CH3 और इसके H को मैंने क्या कर दिया बेटा, नीचे कर दिया। क्या कर दिया, नीचे। फिर से बोलो, क्या कहां कर दिया, नीचे। हां बहुत बढ़िया। और N डबल बॉन्ड N, फिर बोलो NH, फिर बोलो क्या है, बेंजीन रिंग, बोलो जल्दी से, बेंजीन। ये NO2 ऑर्थो पे हो गया और ये कहां हो गया, क्लियर हो गया। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, किस कलर का बनेगा, येलो। भैया एल्डिहाइड थे, भैया कौन थे, एल्डिहाइड थे। ठीक है बोलो, हाँ। अब मान लो यही क्वेश्चन समझ आ रहा, हम इसके साथ कर ले तो नहीं कर पाओगे बेटा। बोलो कि सर आप मत करिए, हम लोग खुद सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बोलो आप लोग यार, ठीक है, दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पे H2O बाहर कर दीजिए, ठीक, H2O बाहर हो जाएगा और बाकी प्रोडक्ट लिख दीजिए। ये ऑरेंज कलर का बनेगा, कैसा कलर का, ऑरेंज। ठीक है, और ये बेटा डीएनपी टेस्ट आपके 5 नंबर के जो पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आज अभी सारे बच्चे, चूंकि ऑनलाइन भी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10-11 एनसीईआरटी बुक से कर लेना, वो दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% छप के आएगा, और नहीं आएगा तो फिर फीस वापस ले जाना। एनसीईआरटी एक साइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और हाँ एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी के अंदर, और ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक दूसरे से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, और वो इन सब टेस्ट से होके गुजरते हैं। आया समझ, उसे कर जरूर लेना, एक एग्जांपल है और 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है, चैप्टर का नाम बता दो, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, पार्ट 2 की किताब है, पेज नंबर तो नहीं पूछोगे कहीं, नहीं नहीं देखो किताबें नई और पुरानी हो गई है, इसलिए पेज नंबर नहीं बताना उचित होगा, रफ किया जाए, कमिटमेंट ना हो जाए, रफ करें। सो अब है एजो डाई टेस्ट, ये बच्चों की बड़ी डिमांड होती है सर, एजो डाई टेस्ट क्या होता है, कौन देता है, पर आईआईटी नीट में इस पैराग्राफ से पीएच स्केल से पीएच रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कलर बनता है ये पूछा जाता है। तो सब लोग तैयार है तो मैं समझा दूं, बोलिए। हाँ सर, हम लोग जब सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ते थे ना, तो सैंडमेयर रिएक्शन में एक सब्सटेंस बनता है जिसे कि बोला जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। फिर से बोलिए, क्या बोला जाता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब ये कोई नहीं कहेगा कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है,
क्योंकि मैंने थोड़ा सा लिंक दे दिया ना कि वो किससे बनता है, सैंड बेयर ट्री। जब बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट को हम लोग फिनॉल से रिएक्ट करते हैं बेटा, तो जब बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट को फिनॉल से रिएक्ट किया जाता है ना बेटा, और उसमें बेसिक मीडियम लिया जाता है, कौन सा मीडियम बेटा, बेसिक। याद रखो, तो जब बेसिक मीडियम लिया जाता है तो ये बेसिक मीडियम है, यहां से फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक होता है, आप लोगों को पता है फिनॉल थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। फिर सुनो, फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक होता है, यहां से एच निकला, यहां से ओएच, H2O बना ले, और ये Cl- बाहर निकलता है, Cl- क्या निकलता है बाहर, और ये जो N2 है ना, देखो N2 को ऐसे लिखा जा रहा है, N2 को ऐसे लिखा जा रहा है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से लिंक होता है, किससे लिंक होता है बेटा बोलो, इस कार्बन से। तो ये जो पूरा का पूरा सब्सटेंस बना है ना, ये पूरा का पूरा, मैंने इसका नाम भी लिख रखा है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। फिर से बोलिए, क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और बेटा ये ऑरेंज कलर में दिखेगा, किस कलर में दिखेगा, ऑरेंज। पहली बात कि आपको ये याद रखना है कि एजो डाई टेस्ट में अगर हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट में फिनॉल मिलाएंगे और मीडियम हमें कैसा लेना पड़ेगा बेटा, बेसिक, तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कैसा आएगा बेटा, जल्दी बोलो, ऑरेंज। अगर हम फिनॉल मिलाएंगे तो ऑरेंज आएगा, फिर से बोलो, फिनॉल मिलाएंगे तो कैसा आएगा, ऑरेंज। और अगर फिनॉल की जगह एनिलीन मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, एनिलीन, तो वो अगले स्क्रीन पे, अगर हम फिनॉल की जगह एनिलीन मिलाते हैं तो क्या बनेगा कलर, जल्दी बोलो, कौन सा, येलो डाई, कैसा, येलो डाई। और नाम भी पढ़ लो, पैरा अमीनो, फिर से बोलो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, फिर से बोलो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। फिर से ध्यान से सुनिए, इसमें जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट में जब हम एनिलीन मिलाते हैं, एनिलीन का मतलब यही हो गया बेटा, बेंजीन रिंग NH2 और पैरा पोजीशन पे H है, यहां पे मीडियम कैसा लिया जाता है बेटा, एसिड, मतलब कि यहां जो पीएच होता है बेटा वो मोस्टली 4 से 5 के बीच में होता है, और वहां पे पीएच होता है 9 से 10 के बीच में, किसके बीच में, 9 से 10 पहले वाले में जहां पे फिनॉल लिया था, ठीक है। और यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है बेटा, एन और एन जो डबल बॉन्ड है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से इससे अटैच हो रहा है, यहां पे इस कार्बन से अटैच हो रहा है, देखो। और ये पैरा अमीनो एजो बेंजीन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बोलो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। देखो मैं धीरे धीरे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि जब हम इसको प्रोडक्ट का नाम नहीं याद होता है ना तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, हम अक्सर इस दाम में ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहते हैं जिसमें कहीं उसका आईपीएससी लिखना पड़ जाए, कुछ लिखना पड़े, तो ये डर थोड़ा सा आप जैसे जैसे नाम याद करते जाएंगे, जैसे जैसे याद करते जाएंगे, पढ़ समझते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और एग्जाम में आप इनको खोजेंगे, एग्जाम में जब जाएंगे ना, अरे यार कहीं से जो बेंजीन दिख जाए, अरे जो डाई टेस्ट कहीं पेपर ऐसे उठाएंगे ऐसे से देखेंगे, तो कर लोगे ना इसको, बोलो हाँ, यस सर, भाई तुम नहीं बोल रहे हो, यस सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, यस जाए, डाई एजो टेस्ट याद हुआ, चलो तनस्वी के मुंह से सुनते हैं, बता बेटा डाई एजो टेस्ट में क्या क्या होता है, बहुत बढ़िया, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो, पहले बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हाँ फिनॉल से रिएक्ट करते हैं सर, मीडियम कौन सा लेते हैं, बेसिक लेते हैं, पीएच रेंज क्या होता है, 9 से 10 होता है सर, वहां पे कौन सा कलर आता है, ऑरेंज, ऑरेंज। और प्रोडक्ट जो बनता है सर नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी, बहुत बढ़िया, देखो आज तुम आज अपने लेवल से पढ़ाई करो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, बड़े वाले का नाम क्या है, अब आ गया जो तुम खोज रहे थे बहुत देर से, जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक होते हैं, इन्होंने भी कहा क्या हमारी को आप लोग इग्नोर कर चुके हो, तो कहा या नहीं दिया, कार्बोक्सिलिक जो होते हैं बेटा वो एसिडिक होते हैं, और जो भी एसिड होता है अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है ना तो सॉल्ट CO2 और वाटर बनता है, और आपको पता करना है अगर मान लो कि नहीं यार वो एसिड था कि नहीं था तो आप कहना कि CO2 गैस बनेगा, और CO2 गैस को कंफर्म करना है तो आप लाइव वाटर से पास कर देना, किसे पास कर देना, लाइव वाटर, वो किस कलर का दिखेगा बोलो ना, मिल्की, तो इसका मतलब CO2 था, और CO2 था मतलब कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक वाले कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो कौन सा टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोल नहीं रहे हो तुम, कौन सा टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सबसे इसके लिए फेमस है,
सिर्फ समझ में ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कब याद किया जाएगा, जब कोई भी कार्बोक्सिलिक को किसी दूसरे से कंपेयर करना हो। अब दो कार्बोक्सिलिक आपस में कंपेयर नहीं करोगे इसे, दो कार्बोक्सिलिक आपस में से कंपेयर नहीं करेंगे। अब मान लो ये फिनोल था और ये कार्बोक्सिलिक था, बेंजोइक एसिड था। ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जानते हो बेटा फिनोल जो होता है ना, तुम कहोगे फिनोल भी तो सर एसिडिक होता है। फिनोल इतना एसिडिक नहीं होता कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे। बेंजोइक एसिड इतना प्रॉपर एसिडिक होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या क्या देता है बेटा, क्या क्या देता है प्रोडक्ट जल्दी बताओ। एक तो देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, दूसरा कौन देता है CO2, और तीसरा क्या देता है वाटर। और फिनॉल जो होते हैं भाई साहब ये किससे रिएक्ट नहीं करते, जल्दी बोलो किससे रिएक्ट नहीं करते, बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? नो रिएक्शन। याद आ गया? मान लो लविस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया गया कि बेंजोइक एसिड को इथेनॉल से कंपेयर करना है, कैसे करोगे? हाँ, बेंजोइक एसिड एक लिख दिया और दूसरा इथेनॉल लिख दिया, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेंजोइक एसिड देगा और इथेनॉल नहीं देगा। बढ़ा जाए आगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मिस्टर ऋषभ जी। ऋषभ भाई जरा इसको पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो अच्छे। AgNO3 की बजाय ना तुम AgNO2 वाला लिखा, AgNO2 ये डायरेक्ट ले लो। चलो बताओ, अगर हमको हैलोजन और हैलोजन को कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताओ। हैलोजन और हैलोजन को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? अगर हमें हैलोजन्स और हैलोजन को कंपेयर करना है तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? थोड़ा जोर लगा के बोलो, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? AgNO2 टेस्ट। हाँ, और इसमें कन्वर्जन भी हो गया जी, इसमें कन्वर्जन क्यों हो गया बेटा कि जो आपका एल्काइल एलाइड होता है जब AgNO2 टेस्ट, AgNO2 टेस्ट देता है ना, तो ये पे Ag और X मतलब जनरली क्लोरीन यूज किया जाता है, क्लोरीन की जगह जरूरी नहीं ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, समझ रहा है ना। तो तुम्हारा जो AgX है वो बाहर हो जाएगा। अगर AgCl बना तो कौन सा कलर आएगा बेटा? व्हाइट। कैसा कलर आएगा? व्हाइट। और RNO2 लग जाएगा, तो मतलब किसी भी एल्काइल हैलाइड को, बोलो मेरे साथ, अगर तुम चाहते हो एल्काइल NO2 ग्रुप लगाना, कौन सा ग्रुप? NO2। मान लो जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगाना चाहते हो। देखो NO2 नाइट्रो होता है और NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। दोनों के बीच का अंतर ये, ठीक है। तो अगर तुम NO2 ग्रुप अटैच करना चाहते हो तो कौन सा टेस्ट यूज करोगे? AgNO2 टेस्ट। मान लो सर धारा पूछेगी कि सर एक बात बताइए, हैलोजन्स ने ऐसी क्या गलती कर दी जो वो AgNO2 टेस्ट नहीं दे रहा है, तो बताइए समझ आ रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? कोई बता सकता है? मैंने एक दिन बताया था, आप ये बताइए कि देखिए सर एक बात होता है, अगर आपने यहाँ पे सर इसको हैलोजन माना है तो सर इसके पास लोन पेयर भी होंगे। सर जब बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच होता है तो इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसलिए जो हैलोजन्स होते हैं जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, ठीक है ना, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बोलो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे AgNO2 लिखोगे तो नो रिएक्शन, और यहाँ पे AgNO2 लिखोगे तो क्या बनेगा? RNO2। क्या बनेगा बेटा? RNO2। मुझे बस एक बात बता दो, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो थोड़ा सा कैसे आप लोगों का जोश कम हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। देखो लड़कियों ध्यान से याद करो, आज याद हो जाएगा तो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा, ये कॉन्फिडेंस देगा तुम्हें, तुम्हें नहीं डर लगेगा ऑर्गेनिक के कन्वर्जन से, ऑर्गेनिक के किसी भी रिएक्शन से, ठीक है। बड़े आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैं तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे पूछूंगा भैया ये देखो इन दोनों कंपाउंड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे मिस्टर अजीत? इसका नाम है ब्यूटोन और इसका नाम है क्या? प्रोपेनल। आइडो फॉर्म करेंगे कैसे? सर आपने भी पढ़ाया था जी सर,
सर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे ये है ना सीरियस फाइल, सर ये एटोफॉर्म नहीं देगा। बहुत बढ़िया, अब बेटा एक बात बताओ, तुम सारे लोग पढ़ रहे हो इतने देर से, क्या मुझे पूरा रिएक्शन लिख के दिखाना चाहिए? देखो यही होता है ना, मतलब जैसे आप अब बोलो कि सर इसमें आप मत हेडर दीजिए, सर पता चल चुका है कि भैया एडोफॉर्म देंगे तो एडोफॉर्म देंगे तो सीएसटी हट जाएगा, सीएसटी हट जाएगा, वहां पे ओएल नहीं आएगा, क्या आएगा ओएल। चलो मैं मेन प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो कुछ लोग ऑनलाइन भी है बुरा मान जाएंगे, क्वेश्चन कर लिया ना कंप्लीट, बोलो आना। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे अदिति, एल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करें बेटा? मुझे क्या पता, ये ऐसा वर्ड यूज करोगी तुम? बोलो सर बिल्कुल नहीं, मुझे पता है सर अल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अरे अल्कोहल फिनॉल कौन सा टेस्ट देता है यार? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, कौन सा फेरिक क्लोराइड टेस्ट यार, ये तो मतलब हर बच्चे बच्चे को याद होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो कौन देता है विनम्र? फिनॉल। कौन देता है फिनॉल, फिर से बोलो कौन देता है फिनॉल, फिनॉल देता है APCl3 टेस्ट। अब APCl3 जब टेस्ट देते हैं तो फिनॉल भैया कितने बार लिया जाता है? तीन बार, तीन बार। और बेटा ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाता है, तीन हाइड्रोजन निकल जाता है। अब पता है तुमको क्या बनता है? ऐसे बनता है, देखो बेंजीन रिंग O नेगेटिव, इसको फिनॉक्साइड आयन बोला जाता है, होल थ्राइस लगाया जाता है और Fe लिखा जाता है, और साथ में साथियों 3HCl लिखा जाता है, और ये जो बना है ना यही वायलेट कलर का बनता है। किस कलर का बेटा? वायलेट कलर का। अब मान लो ये तुम तो नहीं पूछोगे मुझसे कि सर ये होल थ्राइस को लगा, क्योंकि Fe पे चार्ज कितना होता है यहाँ पे? +3, बोलो +3, और Cl पे कितना है? -1, और यहाँ पे O के ऊपर कितना है? -1, इसके ऊपर कितना है? +1, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। और हमारे जो फिनॉल भाई साहब वो APCl3 टेस्ट बोलो नहीं देंगे, क्या देंगे? नहीं देंगे भाई, वो APCl3 टेस्ट नहीं देंगे। APCl3 टेस्ट कौन देता है? केवल और केवल फिनॉल। नहीं फिर बोलो कौन देता है केवल और केवल फिनॉल? आज तुम नहीं बोल रहे, टेस्ट बोलो जरा बुलंद आवाज, फिनॉल। ओके फिनॉल देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और इथेनॉल हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए, अमाइन हो गए, ये लोग टेस्ट नहीं देते। कौन सा? फेरिक क्लोराइड। भाई मैंने वही बोला था कि ये सारी चीजें आप देखो, दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है जानना कि कौन देता है कौन नहीं देता है, समझे? अभी आप उस स्टेज में रहिए जो देता है नहीं देता है उस पर आप गौर कीजिए, समझ में आया ना? और दूसरा स्टेप आपके साथ चलेगा क्यों नहीं देता, ठीक है? और क्यों नहीं देता है का उससे कोई बोर्ड से ना रिलेशन है और ना ही रिलेशन आपके किसी अदर एग्जाम से, ठीक है ना? जवाब में आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से लोग टेस्ट देते हैं? बड़े आगे इस टेस्ट का नाम क्या था? इसका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टेस्ट बोलो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आगे है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक, इसको क्या बताने, इसको बताने की होती भाई, अल्कोहल जो होगा वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा यूज करेंगे जल्दी बोलो? समय धारा से बेटा ये वीडियो अगर पापा के पास चले जाएगी तब क्या होगा? वैल्यू नहीं आता है, तुम बता सकते हो? मुझे तुम्हारा भरोसा है, ऐसे कैसे कर सकती हो? अपने टीचर, एक टीचर को उसके स्टूडेंट के बारे में अच्छे से पता होता कौन बच्चा क्या बता सकता और क्या नहीं। बस आप क्वेश्चन देख लो बेटा, फिर भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा और बीच में बोलेगा नहीं कोई। ओके इसी डिसिप्लिन की जरूरत है हमें तैयारी के दौरान, क्योंकि जिस बच्चे से पूछा गया बच्चा प्रॉपर दिमाग लगाए उसे नहीं होगा तब हम बोलेंगे। फिर आपने बोल ही दिया, देखो बेटा डबल बॉन्ड है। अब इधर एक मिनट चेक करो, अगर इसके बगल में CH3 है तो इसका मतलब कि बेटा
ये आयोडोफॉर्म टेस्ट और यहाँ पे दोनों तरफ बेटा इथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो, पूरा रिएक्शन कंप्लीट करो, सब लोग कंप्लीट करो रिएक्शन। और यहाँ तो आप लोग खुद ही लिख दोगे एकदम बिल्कुल अच्छे से कि सर ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म, और रीजन आपको चूंकि पता ही है तो यहाँ पे आप नो रिएक्शन लिख दो, क्या लिख दो, नो रिएक्शन। और यहाँ वाली रिएक्शन मुझे कंप्लीट करके दो बेटा, सबकी कॉपी देख लेता हूँ, जो बनाए उनकी तारीफ की जाएगी। ये वाला ग्रुप उधर लिख दो, ये आगे समझ में आया, कॉपी दिखा दो उसका, तुम्हें जल्दी लिखे, आपने कर लिया कॉपी दिखाइए। वेरी गुड, सही है बेटा, बहुत बढ़िया, कर लिया बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन को अपना लिखने की ताकत रखो तभी बोर्ड में नंबर आएगा। जो बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखेगा, सही लिखेगा, एक्यूरेट लिखेगा, उसके नंबर 100% आएंगे बेटा, भरोसा है मुझे, ठीक है। चलो यहाँ पे नो रिएक्शन लिख दिया ना आपने, रफ कर दो। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री एक वाली तो पता है बेटा कौन सा टेस्ट देगा, लुकास, लुकास, ठीक है। अब ये कौन सा अमाइन, ये तो पता ही नहीं है ना कौन सा देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन से, तो कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा, ठीक है। अब देखो, अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और लड़कियों में से कोई बताएगा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जवाब मुझे आज चाहिए, ये तमाम बच्चों में से कोई एक बच्ची जवाब देगी, कोई बीच में बोलेगा नहीं, ये इनमें अगर हमको केमिकली डिस्टिंग्विश करना है, बच्चियों में से कोई एक बताएगी कि कौन सा पेस्ट हमें यूज करना चाहिए, इन दोनों केमिकल सब्सटेंस को, कौन सा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, समझना है, ये इसकी खासियत है। क्या आपको एक बात पता चल गई है, आप उसी से सारा काम कर सकते हैं। आपने क्या कहा, सर फिनॉल जो है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, और सर ये APCl3 क्या नहीं देगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, बोलो बेटा नो रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, बेंजीन होल ट्राइस Fe प्लस HCl, बोलो प्लस क्या, HCl, तो ये वायलेट कलर का बनेगा, क्या बनेगा बेटा, वायलेट। आया समझ, यस सर। कभी कभी एक क्वेश्चन में दो टेस्ट लग जाता है, तो बेटा एक में दो टेस्ट नहीं लगता, एक ही लगता है, दो टेस्ट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर लाके मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक में दो कन्वर्जन में मतलब केमिकल डिस्टिंग्विश में ज्यादातर ऐसा ही ना सारा क्वेश्चन है, एक देगा एक नहीं देगा, एक देगा एक, अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ता है कि दो दो यूज हो रहे हैं। देखिए आज तो हमने आपको पढ़ा दिया, और दूसरा है कि अब आप क्वेश्चन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, समझ में आया, और उस क्वेश्चन को ही बताना मेरी ही ड्यूटी है। अब बस एक आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के साथ, किसके साथ, करिए जरा एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, लिखिए सभी लोग, कन्वर्ट, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इंटो मिथाइल अमाइन, ये कन्वर्जन सभी बच्चे करेंगे, कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद जाके आज की क्लास हम लोग यही ग्रुप देंगे। कन्वर्जन देखिए आपने, इथेनोइक एसिड को मिथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, बेहद इजी कन्वर्जन है, 2 स्टेप का होगा मैक्सिमम, जल्दी करिए। सब लोग ट्राई करिए, आप लोग जितने लोग भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है सारे बच्चे ट्राई करें, ठीक है।
इथेनोइक एसिड है। तो अगर आपको एक कार्बन लेस का अमाइन बनाना है, आपके दिमाग में चल गया होगा क्या करना चाहिए मुझे, कुछ आया दिमाग में लविस? क्या है बेटा? हॉफमैन ब्रोमाइड। लेकिन उस हॉफमैन ब्रोमाइड किसमें लगाते हैं? अमाइड में। तो अमाइड कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक से अमाइड कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक से अमाइड तब बनेगा जब कार्बोक्सिलिक को अमाइन से रिएक्ट करेंगे। किससे करेंगे? अमाइन से। समझ में आया ना? अमोनिया से। किससे बेटा? अमोनिया से। क्योंकि हाँ यस। तो इथेनोइक एसिड सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, क्या है आपका बच्चों बताइए? इथेनोइक एसिड हो गया ये, और उसमें अमोनिया। तो अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है साथियों? बेसिक। तो इन दोनों के मिलने से क्या निकल जाएगा बेटा? H2। अब ये बनके आपका तैयार हो गया, इसका नाम है इथेनामाइड। क्या नाम है जल्दी बोलो? इथेनामाइड। और हॉफमैन ब्रोमाइड में रीजन क्या मिला देते हैं बेटा? तनसी तुम बताओ। Br2 प्लस क्या लेते थे? 4NaOH या KOH। और ये वन कार्बन लेस का अमीन देता है बेटा। वन कार्बन लेस मतलब ये और ये साथ में चले जाएंगे तो CH3NH2 बन जाएगा, प्लस Na2CO3 बनेगा, प्लस 2 times ऑफ NaBr बनेगा। बोलो हाँ। हाँ। बोलते नहीं तो दिल बहुत दुखता है यार। बोलो सब लोग हाँ। हाँ बोलना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? यस। और 2H2 बनाओ बाहर, बोलो बाहर। तो क्या आपका टारगेट कंप्लीट हुआ? आपने कन्वर्ट कर लिया? बोलिए हाँ। अब देखिए, आज आप सभी बच्चे घर पे जाके कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट में आप अपने किताब में से, एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के कन्वर्जन को उड़ा दीजिए। 30 मिनट में अगर आप करने बैठेंगे ना बेटा, कम से कम आप 25 कन्वर्जन कर लेंगे। और जब आप 25 कन्वर्जन करेंगे और सही से करेंगे और आप मेरे को कॉपी लाके दिखाएंगे, तब मैं जब आपको बोलूंगा आपको कि यार बहुत अच्छा किया आपने, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं यार मैं भी किसी काम का हूं, कुछ कर सकता हूं। अब आप क्या करेंगे? मैंने सिखा दिया, पढ़ा दिया, आप घर जाके कुछ किसी और काम में लग जाएंगे। आप अगर वो आधा घंटा नहीं निकालेंगे तो आज की क्लास में सिखाया वो सब दिखा रहे। बेटा ऐसे ही होता है ना, आपने देखा होगा ना कि कोई बहुत बड़े टीचर से पढ़ के आता है बहुत बड़ी कोचिंग में, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? नहीं, टीचर ने सिखा दिया तो सिखाने के बाद प्रैक्टिस तो बच्चे को करना पड़ेगा ना। पेरेंट्स को और बच्चे को एक ही बात लगता है, जितने बड़े टीचर से पढ़ लूंगा सिलेक्शन तो होगा। इसी मारे कई लोगों की कई कई बिल्डिंगें खुल जाती हैं, समझे? और सिलेक्शन के नाम पे वही रहता है। तो आप अपने को स्पेशल समझिए, जितने भी आपके अंदर जानकारी है उतने में ही आपको खेल करना है। आप ये हमेशा मत सोचिए कि जिसकी बहुत ज्यादा जानकारी होती है उसी का सिलेक्शन होता है, जिसकी बहुत ज्यादा जानकारी होगी उसी का बोर्ड में बहुत रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। जिसने लिखने की कला सीख ली, जिसने खुद पे विश्वास कर लिया, जिसने अपने आप को हर वक्त चेक पॉइंट पे रखा, एक दो क्वेश्चन किया मैच कर लिया, एक दो क्वेश्चन किया मैच कर लिया, छापा नहीं, एक क्वेश्चन किया छाप लिया, एक क्वेश्चन किया छापने में और मैच करने में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है बेटा। वही अंतर आपको समझना, समझेंगे आप लोग? बोलिए हाँ है ना? पक्का? दूसरा को बुलाइए। समझ में आप लोगों को? Yes, sir. और हमेशा एक बात रखिए ध्यान से कि जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन स्टूडेंट में से हैं जिसने सारा चैप्टर पढ़ा है, किसी का कुछ नहीं छूटा है। तो आप लोगों की तैयारी बाकी स्टूडेंट से थोड़ी अलग होनी चाहिए। जितना भी पढ़िए नोट से पढ़िए और लिख लिख के पढ़िए, ठीक है? अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ओके।